साथ में हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कोटा संभाग के प्रभारी आदरणीय मुकेश जी दादीच हमारे बीच में हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ में हैं, हमारे पार्टी के मीडिया संयोजक आदरणीय प्रमोद जी वशिष्ठ हम सबके बीच में हैं। मैं माननीय गजेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता का विषय आप सबके बीच में रखें। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश द्वारा आयोजित आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुकेश जी दाधीच, मीडिया सेल राजस्थान के संयोजक आदरणीय प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेरे मित्र भाई शहजाद पूनावाला जी, मेरे छोटे भाई पंकज मीना जी और आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित आए सभी पत्रकार मित्र और छायाकार मित्र, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वर्तमान की यह सरकार अपने वोटों को साधने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, इसकी चर्चा सप्रमाण बार बार आप सब लोगों के बीच में की थी। अनेक अवसरों पर सरकार के छुपे हुए इरादे और उनके छिपे हुए एजेंडा जो वोटों को साधने के लिए तुष्टिकरण के माध्यम से समाज का बंटवारा करने के उद्देश्य से जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक काम किए थे, उनकी हमने बार बार आप सबके सामने चर्चा की थी मित्रों। लेकिन जब कल में दौसा में जो घटना हुई, उसके बाद में राजस्थान के लाखों लाखों लोग आज द्रवित हैं, दुखी हैं, उनका हृदय चीख चीख करके रो रहा है। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र आपके सामने उसी के क्रम में करना चाहता हूं। कल दौसा में कालाखो में एक पुजारी को उसके घर के बाहर अपराधियों ने पीट पीट करके दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की। हत्या इतनी विभत्स थी और उसे इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी आंखें निकल करके बाहर सड़क पर गिर गई थी। मित्रों, ये केवल अकलौती घटना नहीं है, इससे पहले भी इस कुराज में दो दर्जन से ज्यादा पुजारियों को इसी तरह से मौत के घाट में उतारा गया। अलवर के भरतरी नगर में साधु के सर पर रॉड मार करके हत्या की गई थी, उसको राजस्थान अभी भूला नहीं है। 20 जुलाई 2022 को हम सब के जानकारी में कि बाबा विजयदास ने सरकार के आश्वासनों और माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत रूप से दिए गए आश्वासन और भरोसे और लिखित में किए गए समझौते के फेल होने के बाद 500 से ज़्यादा दिन का अनशन करने के बाद में पेट्रोल डाल करके उनको आग लगाकर आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा था। नवंबर 2022 में राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी को जिंदा जला करके मार दिया गया था। 17 अगस्त 2022 को हनुमानगढ़ जिले में संगरिया में साधु चेतन दास जी की तलवार मार करके हत्या कर दी गई थी। 13 अगस्त 2023 को डीडवाना में संत मोहनदास जी महाराज की हत्या की गई थी। अगस्त 2023 में ही टोंक जिले के डिग्गी में संत सियाराम बाबा की हत्या की गई थी। 2 साल पहले जोधपुर में महावीर संत महावीर प्रसाद जी की हत्या की गई थी। जालौर के घुमरिया गांव में 29 नवंबर को बुजुर्ग संत की चाकू घोंप करके हत्या की गई थी। फरवरी 2021 में दौसा के महुआ में शंभू पुजारी जी को जिंदा जला करके मार डाला गया था। जून 2022 में बूंदी में पुजारी विवेकानंद की हत्या की गई थी। अगस्त 2021 में दिव्यांग पुजारी को देवली में दिव्यांग पुजारी की बेरहमी से हत्या की गई थी। राजस्थान में ये जो 12 घटनाएं मैंने आपके सामने रखी है, ये केवल नमूना भर में आपके सामने रखना चाहता था कि इस राज्य में किस तरह से, जहां सामान्य व्यक्ति तो सुरक्षित है ही नहीं, लेकिन सह उद्देश्य किस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को मनोबल को बढ़ाने के लिए और बहुसंख्यक समाज के मनोबल को गिराने के लिए षड्यंत्र पूर्वक किस तरह से राजस्थान में इन हत्याओं को कारित किया जा रहा है। और ये जो पूरी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के कुछ जो उदाहरण मैंने आप सबके सामने रखे हैं, ये उदाहरण इस बात का द्योतक है कि ये सरकार तुष्टिकरण की पुरोधा सरकार है। इसके अतिरिक्त भी इस सरकार ने जिस तरह से हिंदू पर्व और त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया,
अभी हाल ही में होने वाले नवरात्रि में होने वाले गरबा उत्सवों को जिस तरह से रोकने के षड्यंत्र किए गए, रामनवमी से लेकर के विभिन्न धार्मिक उत्सवों को मनाने पर प्रतिबंध लगाए गए, धारा 144 लगाई गई, वहीं दूसरी तरफ PFI के जुलूस को सह सम्मान पुलिस के संरक्षण में निकालने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया है। संभावित हार जो है, जो आज अवश्यंभावी और सामने दिखाई दे रही, उस दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। ये हार की बौखलाहट जो है, ये सरकार के मुखिया इस बौखलाहट के चलते हुए हिंदुओं की तुलना और हिंदुओं के दमन की तुलना आज आतंकवाद से करने को मजबूर हुए हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने खालिस्तानी को जायज, खालिस्तान की मांग को जायज ठहराने की बात की है, मुझे लगता है कि वो ये भूल गए कि इसी खालिस्तान की तपिश में, इसकी आग में उनकी महबूब नेता और उनके प्रिय नेता जिन्होंने उनको नेता बनाया, वो इंदिरा गांधी जी उसी खालिस्तान की आग की भेंट चढ़े थे। इसी के साथ साथ में इस खालिस्तान ने उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री की जान भी ली थी। राजस्थान के कई लोग जो नौजवान इस खालिस्तान के विरोध में लड़ी जाने वाली लड़ाई में, आप राजस्थान के हर गांव ढाणी में खड़ी हुई एक मूर्ति किसी वीर सैनिक की जो शहीद हुआ होगा, उस सैनिक की मूर्ति को देख सकते हो। अशोक गहलोत साहब ने ये जो गैर जिम्मेदाराना तुलना करते हुए बयान दिया है, ये बयान दे करके उन्होंने हजारों ऐसे लोग जो उस खालिस्तान के विरुद्ध संघर्ष में कालकवलित हुए, हजारों ऐसे लोग जो आतंकवादियों के द्वारा निरीह लोगों की हत्या की गई, उन लोगों के परिजनों और परिवारजनों के दुखते हुए घाव पर एक बार तेजाब डालने का पाप इस अशोक गहलोत ने किया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं, और अपनी पार्टी के आपसी द्वंद के चलते हुए जिस तरह के हालात उनकी पार्टी में बने हुए, ऊपर दिखाने को समझौता हुआ है लेकिन आंतरिक हालात जिस तरह के बने हुए, और राजस्थान ने जिस तरह के हालात पिछले 5 साल में इस राज्य में देखे, राजस्थान का युवा परेशान है। आज ही के दिन आप लोगों के पास में सूचना आई होगी कि डीडवाना में किस तरह से एक और गैंगरेप की घटना हुई है। आज राजस्थान में राजस्थान को रेप कैपिटल बनाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया, और निरंतर अपनी विफलता को छुपाने के लिए जिस तरह से महिलाओं के प्रति होने वाले इन अपराधों की घटनाओं पर उदासीनता व्यक्त की, उसके कारण से ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। ठीक उसी तरह से राजस्थान में निर्दोष लोगों की हत्याएं जिस तरह से हो रही, मैं आज प्रश्न करना चाहता हूं, जयपुर में एक रोड रेज की घटना हुई और उस रोड रेज की घटना पर आनन फानन में अपीजमेंट का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए की सहायता की घोषणा करके तुरंत उसका ट्वीट किया। ये 12 पुजारी जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, ऐसे अनेक नाम मैं आपके सामने चर्चा में ला सकता हूँ, लेकिन इन 12 पुजारियों को कुल मिलाकर के कितना पैसा मुआवजे में दिया गया, आज राजस्थान के 8 करोड़ लोग मुख्यमंत्री से ये प्रश्न करना चाहते हैं। राजस्थान में उन सारे निर्दोष लोग, जो 7,000 से ज्यादा निर्दोष लोग हैं जिनके गैंगवार्स के चलते हुए सरेआम गोलियों से भून करके हत्याएं कर दी गई, मैं आज आप इस पत्रकार वार्ता में भरे हुए हृदय से आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब राजू ठेठ के सीकर में हत्या हुई और उस गैंगवार में एक निरीह आदमी जो अपनी बेटी की फीस जमा कराने के लिए वहां गया था, उस निरपराध व्यक्ति को गोली मार दी गई, उस निरपराध व्यक्ति ने तड़पते हुए अपनी बेटी की गोद में दम तोड़ दिया, रोडरेज की घटना में आपने आनन फानन में 50 लाख रुपए का मुआवजा केवल अपने वोटों को साधने के लिए दिया, तुष्टिकरण के चलते हुए दिया, उस गरीब आदमी को कितना मुआवजा दिया गया, उसकी बेटी की फीस जमा हुई कि नहीं हुई, सरकार ने उसकी चिंता की कि नहीं की, ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। सरकार अपनी स्पष्ट हार को देखते हुए आज बौखला करके इस तरह से समाज को बांटने का षड्यंत्र कर रही है। ये सदी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार, ये आज़ादी के बाद के सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार अब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए अनर्गल बयान देकर के अपनी हार और अपने मुंह पर छिपी हुई इस अपने सामने दिखती हुई हार और अपने मुंह पर छिपी हुई इस कालिक को छुपाना चाहती है, उल्टे सीधे बयान देकर के मीडिया में जो है बिना किसी आधार पर के टिप्पणियां करके माननीय मुख्यमंत्री जी
इन सब विषयों से बच निकलने का असफल प्रयत्न करते हैं। राजस्थान की जनता आज इस कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है और अब आने वाले चुनाव में ये जवाब लेकर के रहेगी, और जवाब अगर नहीं दिया तो मुख्यमंत्री जी को टके सा जवाब देकर के अब की सत्ता की इस कुर्सी से उतार करके एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। आप सब मित्रों का बहुत सारा धन्यवाद, अभिनंदन। हाँ, किसी देश दुनिया में जो भी कोई संत हुआ होगा, फकीर हुआ होगा, उसने कभी अपने आप को अपने मुंह से मैं बड़ा फकीर हूँ ऐसा नहीं सुना होगा। ये ढोंगी लोग जो फकीरी का लबादा ओढ़ करके भ्रष्ट आचरण और व्यवहार करते हैं और दोहरा जीवन जीते हैं, उन लोगों को अपने स्पष्टीकरण देने के लिए इस तरह के जो है अनर्गल बयान देना उनकी मजबूरी होती है। देव जी, गजेंद्र जी, आपको अगर पार्टी कहती है कि आप विधानसभा चुनाव में उतरें तो क्या आप चुनाव में उतरकर जोधपुर के सरदारपुरा या कहीं और से कांग्रेस को कड़ी चुनौती देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं यथेष्ट बार इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता खुद तय करे कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है या कहाँ जाकर के चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। कम से कम मैं तो जिस विचार परिवार से आता हूँ, जहाँ मैंने शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वहाँ व्यक्ति किस उत्तरदायित्व के साथ में काम करेगा, किस दायित्व के साथ में काम करेगा, ये व्यक्ति तय नहीं करता, संगठन तय करता है। संगठन निर्णय करेगा जो निर्णय करेगा। और मैंने तो इससे आगे बढ़ करके भी कई बार कहा है कि मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में भेजा गया उसके बाद में, आज भी अगर मेरा संगठन और मेरा परिवार ये तय करता है, मेरे वरिष्ठ जन बैठ करके ये तय करते हैं कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र के बजाय किसी और क्षेत्र में जाकर के अधिक उपयोगी रूप में काम करना है, तो मैं तो सहर्ष उसके लिए भी तैयार रहता हूँ। आशीष जी, उमर अमर उजाला। आशीष जी को माइक दे दो यार, मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा जोर से आनी चाहिए। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान में निरंतर ईडी सीबीआई की जो रेड्स हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी का हार की तरफ जो बौखलाहट है वो दर्शा रही है, पर कांग्रेस डरेगी नहीं इनसे? देखिए, जब पहली बार एसीबी ने कार्रवाई की थी, केस रजिस्टर किया था, और उसके बाद में, मैं सिर्फ जल जीवन मिशन का ही उदाहरण देता हूँ, और उसके बाद में उस केस पर आगे सीबीआई ईडी ने कार्रवाई की, उसके बाद में लगभग 1600 ग्राम के जो है 16 किलो सोना उसके बाद में बरामद हो चुका है, कई सौ लाख रुपए उसके बाद में बरामद हो चुके हैं। अभी तो जांच कुछ कदम आगे बढ़ी है, अभी भारत सरकार की एक टीम ने आकर के यहाँ पे जल जीवन मिशन के प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिए गए ठेके और धरातल पर जो काम हो रहा है उनकी गुणवत्ता, इन तीनों के बारे में एक सिंहावलोकन किया है, और हमने एक पत्र लिख करके सरकार को, राजस्थान सरकार को, उसमें रही खामियां, जानबूझ करके की गई बदमाशियों, उन सब के बारे में विस्तार से लिखा है। इससे पहले भी इस तरह के इस क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के मिशन डायरेक्टर के लेवल पर, सेक्रेटरी के लेवल पर, और मैंने मंत्री के नाते मुख्यमंत्री जी तक सबको पत्र लिख करके हो रहे भ्रष्टाचार के नंगे नाच को क्यों और इम्प्लीमेंटेशन में हो रहे घोटालों के बारे में चर्चा की है, उनका संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। लेकिन सरकार जो आंख मूंद करके इन सब विषयों को संरक्षण दे रही है, उन्होंने आज तक भी इन तीनों स्तर पर हुए पत्र व्यवहार का जवाब देने में भी की भी आवश्यकता नहीं समझी। हकीकत सामने, और जब भ्रष्टाचार की कलई खुलने लगती है तब इस तरह एक बौखलाहट में बयान देना लाजिमी है। लाल जी, पहली सूची में जो आपने बात कही है कि चली या नहीं चली, मुझे लगता है कि ये सिर्फ आप ही के और आपके मित्रों के जो है कुल मिलाकर के दिमाग और की उपज के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सभी निर्णय सामूहिक रूप से होते हैं और हम सब मिलकर के साथ बैठ करके व्यापक चर्चा विभिन्न स्तरों पर करने के बाद में इस तरह का निर्णय करते हैं। क्योंकि ये तय है, सामने दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और जब किसी भी पार्टी के सामने दिखता है कि सरकार बनने वाली होती है तब उसमें टिकट मांगने वाले लोगों की संख्या उतनी ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। जब संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है तब पार्टी में बहुत सारे लोग टिकट न मिलने पर निर्णय आने के बाद में निराश होते हैं, और उस निराशा से कोई स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रियाएँ कुछ जगह पर आती हैं।
ये स्पॉन्टेनियस प्रक्रियाओं का जो जो तापमान है वो कुछ दो तीन दिन के बाद में ठंडा हो जाएगा। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के सरकार बनाने के लिए चुनाव में के मैदान में उतरने वाले। कांग्रेस पार्टी बेशक डरी हुई है अपने यहाँ होने वाले बवाल को बचाने के लिए, हालांकि उनके यहाँ बवाल होने वाला नहीं है, अभी तो मुझे लगता है टिकट देने वाले भी दिखाई नहीं दे रहे। हालत तो ये है कि कई मंत्रियों के टिकट अभी तक रुके में, अब क्यों रुके में ये प्रश्न मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उनका उनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है, मुझे उसमें हस्तक्षेप करने का कि न तो आवश्यकता और न अधिकार ही है। लेकिन टिकट मांगने वाले न होते हुए भी टिकट के बाद में होने वाले बवाल के डर से वो टिकट काटने से भी डर रहे हैं और आगे बढ़ने से भी डर रहे हैं। मंत्री जी, लगातार शहर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है और एक महीने बाद चुनाव है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इस पर सीधे तौर पर चुनाव पर असर पड़ेगा? निश्चित रूप से चुनाव पर असर पड़ेगा, केवल उस एक विधानसभा में नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ मतदाता इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ में देखते हैं। राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में अब की बार ये तुष्टिकरण का तांडव जो है चुनाव का निश्चित रूप से प्रभावी मुद्दा रहने वाला है। शेखावत साहब, आज सीएम ने बोला है, आप पर आरोप लगाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप जोधपुर के रहने वाले हैं और जोधपुर के रहने वाले होने के नाते भी आपने सरकार गिराने की कोशिश की, ऑडियो में आपकी आवाज़ है। देखिए, कब बोला है मुझे पता नहीं है, पहले ऐसा कई बार वो बोल चुके हैं। मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, 2020 के वाक्य को लेकर के आज 2023 के जो है उत्तरार्ध में हम बात कर रहे हैं, अंतिम समय में 2023 पहुंच चुका है। इस 3.5 साल के कालखंड में गहलोत साहब गृहमंत्री होने के नाते मुझे एक भी नोटिस दिया गया है? मेरी जो है ऑडियो जांच करने के लिए, मेरी आवाज़ का नमूना लेने के लिए, मुझे जांच करने के लिए नोटिस तो देंगे ना? एक भी नोटिस दिया गया है वो नोटिस मेरे सामने रख दें। ये सिर्फ अखबार में बयानबाजी करके, मीडिया के सामने चर्चा करके और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त भी एक सोसाइटी के मेरा साथ में मेरा नाम जोड़ करके उन्होंने अनेक बार टिप्पणियाँ की थी, मुझे और मेरे परिवार को घसीटने का काम किया था, एक्यूज्ड ऐसा बताने का काम किया था। मुझे तो आज तक किसी भी न्यायालय ने या चार्जशीट ने अक्यूज़ नहीं ठहराया, लेकिन गहलोत साहब के ऊपर जब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है, उस मानहानि के मुकदमे अभी मैं अभियुक्त के रूप में लगभग 8 बार जाकर के कोर्ट में उस कटघरे में, चाहे वीडियो में खड़े होते होंगे, लेकिन खड़े हो चुके हैं। मंत्री जी, वीरेंद्र जनता पार्टी को अपने किए का प्रचार के प्रसार करने में भी उनको आपत्ति है क्या? अभी तो प्रताप सिंह जी के सामने कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हुआ, उससे पहले ही इतना क्या उनको बौखलाहट या डर हो गया है क्या? मैं एक वे खुद इन मुद्दों को उठाकर समाज में बंटवारे का काम कर रही है, और पहला सवाल। दूसरा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं मित्र, कि 12 पुजारियों की घटना पर बोलने का अधिकार नहीं है, या 12 पुजारियों की घटना के बाद में भी हम चुप होकर के सिर उठा करके बात नहीं करेंगे, चुपचाप सहन करते रहेंगे? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी का प्रयोग, मैं बात कर चुका हूं ईडी के बारे में, मैंने विस्तार से कह दिया। सचिन जी भास्कर, लेकर के भी कुछ नीतियां बनी हुई है। सूर्यकांता जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हम सबकी मातृ स्वरूप हैं, उनके सम्मान में कहीं भारतीय जनता पार्टी में किसी कोई ऐसा नहीं मानता कि कमी हुई है, और उन्होंने सहृदय सहर्ष देवेंद्र जोशी जी को जो टिकट देने का जो निर्णय हुआ उसका स्वागत भी किया है, सम्मान भी किया है। उन्होंने पार्टी की लंबे समय तक, पिछले लगभग 45 साल तक सेवा की है और पार्टी को निरंतर यशस्वी बनाने के लिए काम किया है। हम सब लोग सम्मान के साथ में उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ही अब की बार इस चुनाव के समर में जोधपुर शहर और सुरसागर विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले। अमर जी रिपब्लिक हैं, तो फिर खालिस्तान का समर्थन करने वाले गलत हो सकते हैं क्या? मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में विस्तार से इस बारे में कहा है कि मुख्यमंत्री खालिस्तान की बात करते हुए, खालिस्तान का समर्थन करते हुए ये बात भूल जाते हैं कि उनकी वरिष्ठतम नेता, जिन्होंने वो ये कहते हैं कि जिन्होंने मुझे नेता बनाया, उस नेता, उस भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या इसी आतंकवाद के दौर में
किसी खालिस्तान के आतंकवादियों द्वारा की गई थी, वो स्पष्ट करें कि वो खालिस्तान के मूवमेंट के साथ हैं या नहीं है, एक बार छास के साथ में बयान दें। सेकाव सर नमस्कार, आज मुख्यमंत्री जी जमीन नहीं खरीदी, एक ग्राम मैंने सोना नहीं खरीदा, और ये जग जाहिर किया था वकील गोवर्धन सिंह ने, तो आपको क्या लगता है कि फ्लैट से शुरुआत करके होटल विलाज और बड़े बड़े बंगलों तक बात जाएगी? देखिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पहले भी जानकारी में था कि वो जब एक इंच जमीन नहीं खरीदी तब वो फ्लैट को शायद भूल गए थे, लेकिन इसके अलावा भी वो पता नहीं कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ भूल गए होंगे कि कहाँ मॉरिशस से वो रूट होकर के पैसा कैसे आया और कहाँ निवेश हुआ और कैसे वापस उनके खातों तक, उनके पुत्र के खातों तक पहुँचा। जनता सब जानती है कि मैं उस स्तर पर राजनीति में जाना नहीं चाहता। साहब मेरा एक सवाल है, इधर राइट 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 में इधर, आजकल आप जयपुर में प्राचीन मंदिरों की मुहिम को देख रहे होंगे, प्राचीन मंदिर बचाओ अभियान में, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए प्राचीन और अर्वाचीन और न्यूतन मंदिर आस्था का विषय है और हर एक मंदिर का संरक्षण होना ही चाहिए, इसके अतिरिक्त भी यहाँ तक क्यों है? वृंदावन में हमारे राजस्थान सरकार के स्वामित्व के, देवस्थान विभाग के स्वामित्व के कम से कम 50 ऐसे मंदिर हैं जो उपेक्षित पड़े हैं, जिनकी सुध कभी सरकार ने नहीं ली। ये सरकार तो तन्हा पीर की दरगाह बनाती है, ये सरकार तो जो है मंदिरों को 300 साल पुराने शिवलिंग को बुलडोजर वो लगा ड्रिल मशीन लगा करके तोड़ती है और बुलडोजर लगा करके राम दरबार को ढहाती है। ये सरकार से इस तरह की अपेक्षा करना भी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा। मंत्री जी मेरा एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन, पार्टी 7 सांसद ऑलरेडी चुनाव में उतार चुकी है, कहा जा रहा है कि आपको भी चुनाव में उतारने वाली है, तो जोधपुर सांसद हैं आप, तो जोधपुर में अगर पार्टी आपसे कहती है कि किसी सीट से आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी पसंदीदा सीट वो कौन सी होगी? मैंने विस्तार से कहा है कि न तो मेरा चुनाव लड़ने की पसंद होती है, न चुनाव के स्थान की पसंद होती है, न काम करने के किसी क्षेत्र विशेष की पसंद होती है। मैं 1992-93 में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, उस समय भी सभी छात्र संघ के चुने हुए अध्यक्ष अपने कालखंड में ही, आजकल तो काम जा अध्यक्ष बनने के साथ ही पहले ही वो अपने राजनीतिक सरजमीन तलाश करना शुरू कर देते। मुझे तो उस समय अवसर भी दिया गया था कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में आकर के काम करना चाहिए, मेरे पास में मौका भी था, लेकिन क्योंकि मेरे मेंटर्स ने, परिवार ने यह तय किया था कि मुझे सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करना चाहिए, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने 21 साल तक सीमा पर काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी की दहरी पर भी कभी नहीं गया था, प्राथमिक सदस्य भी नहीं था। जब संगठन ने तय किया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए, मैंने राजनीतिक क्षेत्र में पूरी क्षमता के साथ में, ऊर्जा के साथ में, उत्साह के साथ में काम किया। आने वाले समय में कभी ऐसा हो कि परिवार के जो है वरिष्ठ लोग ये तय करें कि मुझे वनवासी कल्याण परिषद में काम करना है या सेवा भारती में काम करना है, मैं इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ में वहाँ भी काम करूँगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जहाँ भी काम करूँगा एकमात्र लक्ष्य होगा वो होगा भारत माता की जय जयकार करना, और भारत माता की जय जयकार करने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। इसलिए मैं कभी इस दिशा में न तो एक दिन भी सोचता हूँ कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है, कहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है, ये संगठन का निर्णय है, संगठन को तय करना। गजेंद्र जी, बीजेपी किसान सरकार के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा है, पर इस लाल डायरी का मामला तब सामने आया था जब राजेंद्र गुड़ा ने कहा था कि जब ईडी की रेट पड़ी थी धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे, तो वहां से वो लाल डायरी उठाकर ले आए थे, तो क्या लगता नहीं कि जो केंद्रीय एजेंसी ईडी है उससे पूछा जाना चाहिए कि कैसे एक नेता उनकी मौजूदगी में लाल डायरी उठाकर ले आए? क्या आपको लगता नहीं ये सवाल ईडी से किया जाना चाहिए? देखिए पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वो रेड ईडी की नहीं थी, इनकम टैक्स की थी, और इनकम टैक्स की रेड के समय में पुलिस का दुरुपयोग करके पुलिस के प्रोटेक्शन में इस तरह का जो है कृत्य को अंजाम दिया गया था जो उस रिपोर्ट में लिखा गया। अब पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि जब पुलिस का दुरुपयोग ऐसे काम के लिए क्यों किया गया। दूसरा, जब वो डायरी की चर्चा हुई तब बार बार डायरी के अस्तित्व को नकारने वाले लोग जब राजेंद्र गुड़ा जी को महिलाओं के सम्मान के विषय में बात उठाने के अपराध में मंत्रिमंडल से हटा दिया गया और वह डायरी की प्रतिकृति लेकर के, मात्र प्रतिकृति थी वो लेकर के जब विधानसभा में आए थे, तब रग्बी का मैच राजस्थान की जनता को देखने को मिला था, दौड़ा दौड़ा करके उनका पीछा किया जा रहा था, गिरा करके फुटबॉल की तरह जो है लातें मारी जा रही थी, और डायरी खींच करके, छीन करके, पाड़ करके, उसको पन्नों को लेकर के ऐसे उत्साह मनाया जा रहा था जैसे कोई भारत पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के आपके क्रिकेट मैच में भारत जीत गया हो और भारत का झंडा लेकर के अति उत्साही लोग मैदान में दौड़ रहे। इस डायरी का इतना खौफ क्यों था?
और उस डायरी के खौफ के सदमे में सरकार कई दिन तक चुप क्यों रही थी? और जब डायरी के दो पन्ने में से की कुछ लाइनें बाहर आई थी, तब पूरी सरकार सकते में रह करके शून्य में क्यों थी? और उसके बाद में खड़गे साहब ने एक दिन कहीं राजस्थान में भाषण में कहा कि उस डायरी में ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने वाली है। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि खड़गे साहब ने ये जो कहा है ये उस डायरी में कहाँ पढ़ा था? सरकार तो डायरी के अस्तित्व को नकारती है, वो कहते हैं डायरी में लिखा हुआ है, अगर उन्होंने पढ़ा है तो क्या क्या पढ़ा है? और मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन वो अधूरा कहा है। वो लाइन ये थी कि भ्रष्टाचार से अब की बार इस सरकार के मंत्रियों ने और सरकार ने इतना पैसा एकत्रित कर लिया है कि उस पैसे की ताकत पर कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है। अगर मैं दावे के साथ में कहता हूँ, खड़गे साहब वो डायरी निकलवा करके देख लीजिए, उस डायरी के पन्ने में अगर ये पूरी पंक्ति नहीं है तो मैं जो वो कहे वो करने के लिए तैयार। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि जो दिखाएं ला करके वो कि उन्होंने जो पन्ना पढ़ा था वो लाइन अधूरी क्यों पड़ी, पूरी की पूरी क्यों नहीं पड़ी? मंत्री जी, मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि जो तोड़फोड़ और आगजनी जो बीजेपी में हो रही है, ऐसा माहौल उन्होंने राजनीतिक करियर में देखा। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो तोड़फोड़ और आगजनी बीजेपी में हो रही है टिकट बांटने के बाद में, ऐसा माहौल अब तक उन्होंने नहीं देखा, इस पर रिसर्च होना चाहिए। चलिए, ये तो मैं टिप्पणी कर चुका हूँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं मुकेश जी एक बार नीचे बैठ देंगे, और साथ में अभी 4 बजे यहाँ कुछ बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है, तो कृपया आप यहीं रुके जब तक आप यहाँ चाय अल्पाहार और भोजन का आनंद ले सकते हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।